कितना एंजॉय किया आज? और एंजॉय हद से ज्यादा किए हैं। मॉनसून में 8 बजे का शो में भी अच्छा एंजॉय। ओके, कैसी लगी रॉकी रानी? बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा लव्ड इट। क्या मतलब, क्या मजा आया आपको? सब कुछ अच्छा, म्यूजिक अच्छा, डायरेक्शन, करण जौहर एक बार फिर से वापस आ गए और सभी के किरदार बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया हैं। और जितने भी एक्टर्स हैं, सीजनड एक्टर शबाना जी, धर्मेंद्र जी, जितने भी किरदार हैं, जया बच्चन जी का ऑफकोर्स, और आलिया और रणवीर की केमिस्ट्री बहुत ही धमाकेदार है। और मूवी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही डिफरेंट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद अच्छी मूवी आई है। ओके, क्या खास लगा आपको मूवी? एक्चुअली मैं एक ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ, तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा कि आज की जनरेशन अपने पर्सनल एम्बिशन के साथ साथ फैमिली को लेके कम चलती है, इसमें वो बैलेंस करके दिखाया है, वो अच्छी चीज़ है। ओके, रॉकी एंड रानी क्या बोलते हो? रॉकी एंड रानी की कैश अच्छी फिल्म है, कमाल फिल्म है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर करती है, थोड़ा ड्रैग करती है, बट ओवरऑल फिल्म अच्छी है। कहाँ, मतलब किस पार्ट में बोर किया आपको? यार बोर किया है फिल्म ने स्क्रीन प्ले में, स्टोरी इतनी कमाल है, आप कहीं ना कहीं दिखता है फिल्म कहीं ना कहीं सौदागर से इंस्पायर है, क्योंकि सौदागर में भी लड़का उधर जाता है लड़की के घर पे, लड़की उधर आती है लड़के घर, ये सौदागर से इंस्पायर फिल्म है, वो पहले प्रेम से समझ में आती है। मतलब प्रॉब्लम इस की सौदागर में दिखता है कि वो शायद दोनों नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज वो कैरेक्टर्स को ग्राफ उतना दिया गया, यहाँ वो फिल्म इसीलिए ड्रैग करती है बिकॉज वो थ्रेट दिखा ही नहीं। सेकंड हाफ में दोनों को आइडिया आया कि घर चेंज करते हैं, घर चेंज हो गए और पता था कि रणवीर सिंह जाएगा, इंप्रेस कर लेगा, जो कि भी लेता है, लेकिन उधर ऐसा था कि पंजाबियों में वो बड़ापन दिखेगा, लेकिन वहां जया बच्चन आई विल रॉन्ग कास्ट। पहली तो उन्हें पंजाबी बोलनी नहीं आती, एक्शन वॉज रियली बैड, इससे बेटर यार किरण खेर को ले आते, उनको ग्राफ तो पता है, उनको ये तो पता है एक्शन क्या होता है। अगेन जया जी बहुत सीनियर एक्टर है, हम कुछ बोल नहीं सकते उनको, बट वो जो रियल लाइफ में लोगों को डांटती फिरती है, अगर उसका आधा भी वो ले आती फिल्म में तो कमाल हो जाता। बट मतलब वीक पॉइंट जया बच्चन हो गई, वीक पॉइंट जया बच्चन, ओवर एक्टिंग बाय द एक्टर्स इन द फर्स्ट हाफ, एंड एक्सेंट, पंजाबी एक्सेंट करेक्ट नहीं है, सिंस आई एम अ पंजाबी एंड आई नो कि पंजाबी एक्सेंट क्या होता है, वो बहुत ही वाहियात था। ओके, म्यूजिक कैसी थी फिल्म की? म्यूजिक ओवरऑल अच्छा है, बहुत ग्रेट नहीं है, एक तो गाने हैं तुम क्या मिले और वो जो बंगाली सॉन्ग है, देखो मुझे नाम भी याद नहीं है, हालांकि बीच में पुराने गाने बहुत सारे डाले हुए हैं जो कि फिल्म को एक पॉइंट से बोर भी करते हैं, बिकॉज इतने सारे गाने कट, हर 2-4 मिनट में एक गाना, हर 2-4 मिनट में एक गाना, हालांकि सारे गाना का म्यूजिक है तो गाने वहां से उठा लिए हैं, स्पॉन्सरशिप होगी इसमें कोई डाउट नहीं है, फिल्म ब्रांडिंग होगी, बट वो बोर करता है, आप हमारे स्टेज पे हमारी टिकट पे वो नहीं कर सकते। डूइंग इट बिकॉज ठीक है, एक्टिंग भैया सबकी कमाल है, आई वुड से रणवीर एंड आलिया, दे वर की कैश, पहले फ्रेम से लगता है कि उनको अपनी केमिस्ट्री पता है, उनको अपनी टाइमिंग पता है, उनको अपनी परफॉर्मेंस पता है कि क्या करना है, एंड मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद दीपिका और उसको भी बुरा लगता कि दीपिका और रणवीर को कि इन दोनों की इतनी केमिस्ट्री अच्छी है, दे वर किसिंग ऑल द वे, हालांकि आई स्टिल बिलीव इट्स अ फैमिली फिल्म, सो इट वाज नॉट सपोज टू बी दैट मच किसिंग, बट या ठीक है आजकल का रोमांटिक जोन है तो लोग कर रहे हैं। ओके, फिल्म कमाई अच्छा करेगी? फिल्म की कमाई बॉस, आई एम नॉट अ क्रिटिक, बट आई कैन से दैट 150 करोड़ तो मारना ही चाहिए, बिकॉज ओपनिंग शाम को पता चलेगी, अराउंड 12-15 करोड़ का आई बिलीव ओपनिंग लेना चाहिए फिल्म को, एंड रेस्ट तो आपके क्रिटिक्स बताएंगे, KRK बताएंगे या बाकी लोग बताएंगे कैसा है। कितने स्टार्स देंगे आउट ऑफ 3? आई वुड से 2.5 फॉर द फिल्म, ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छा है, आर्ट डायरेक्टर का काम कमाल है, 0.5 स्टार मैं एक्स्ट्रा दूंगा आलिया को, बहुत खूबसूरत लगी है, इतनी सुंदर किसी फिल्म में नहीं दिखी, और बहुत खूबसूरत के साथ साथ बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू।